अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप तमाम हज़रात खैरियत से होंगे। दोस्तों आज आपकी खिदमत में एक प्यारी सी बेहतरीन सी खूबसूरत सी हदीस सुनाने वाला हूँ। हदीस पाक में आता है जिसके रावी हैं हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। इरशाद नकल फरमाते हैं पैगम्बर आज़म जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। फरमाते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तीन आदमी क़यामत के दिन अल्लाह के अर्श के साये में होंगे, जिस दिन अल्लाह के अर्श के अलावा किसी चीज़ का साया नहीं होगा। मैदान हश्र में बड़ी सख्त तरीन गर्मी होगी और वहाँ की अजियत और तकलीफ़ और वहाँ की गर्मी का दुनिया में रह कर के इंसान तसव्वुर ही नहीं कर सकता। सूरज सरों पर होगा और सूरज की तपिश और शिद्दत की वजह से इंसान अपने ही पसीनों में डूबे हुए होंगे, कोई पंजों तक, कोई घुटनों तक, कोई पेट तक, कोई पीठ तक, कोई पूरा, कोई गले तक। इतनी सख्त तरीन शिद्दत वाली गर्मी में जब इंसान अपने ही पसीने में डूबे हुए होंगे, अल्लाह ताला उन मजमे में से, मखलूक में से कुछ लोगों को बुलाएगा, कुछ लोगों को चुनेगा और उनको चुन करके यूँ कहेगा, उनको मुंतखब करके अल्लाह फरमाएगा कि ए बंदो, तुम्हें इस अर्श के दिन, इस महशर के दिन तुम्हें इस शिद्दत वाली गर्मी से मैं नजात दे रहा हूँ और तुम्हें मैं अपने अर्श के साये में जगह दे रहा हूँ। ऐसे ही तीन लोग हैं जो इस रिवायत में बयान किए गए हैं। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, हुज़ूर ने फरमाया, वो अर्श का साया पाने वाले तीन लोग ये भी होंगे। कौन है वो लोग? फरमाया, एक वो शख्स जो किसी मुसीबत ज़दा की मुसीबत हटाए, मुसीबत ज़दा की मुसीबत को दूर करने का सबब बने, मुसीबत ज़दा की मुसीबत में तआवुन और मदद करने वाला शख्स रोज़े महशर अल्लाह के अर्श के साये में होगा। बहुत बड़ा काम है किसी के गम में शरीक हो जाना, किसी की मुसीबत में शरीक हो जाना, किसी की परेशानी में मुआविन और मददगार बन जाना, हेल्प करना। ये छोटा काम नहीं है, ये इतना बड़ा अमल है कि ये इस इंसान को अर्श के साये में जगह दिलवा देगा अल्लाह ताला के। तो पहला इंसान जो अर्श के साये में जगह पाएगा, जो इस रिवायत में बयान किए गए हैं, उसमें से पहला शख्स वो है जो किसी मुसीबत ज़दा की मुसीबत को हटाए, उसके हटने में उसका मुआविन और मददगार साबित हो। और दूसरे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अर्श के साये में जो लोग जगह पाएंगे उसमें दूसरा शख्स वो है जो शख्स मेरी सुन्नत को ज़िंदा करे, मेरे तरीक़े को ज़िंदगी में लाए, मेरी सुन्नत को अपनी ज़िंदगी में दाखिल करे। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को ज़िंदा करने वाला और आपके तरीक़े को अपनी ज़िंदगी में लाने वाला, ये भी मैदान हश्र में अल्लाह के अजीम अर्श का साया पाने वाला होगा। कितनी बड़ी नेकी है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने का कितना बड़ा इनाम है, अल्लाह मेरे लिए भी आसान फरमाए और आपके लिए भी। तीसरा शख्स रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि रोज़े महशर जो शख्स अर्श का साया पाएगा, उसमें तीसरा शख्स वो है जो मेरे ऊपर कसरत से दरूद शरीफ पढ़ता होगा। दरूद शरीफ कसरत से ज़्यादा पढ़ने वाला, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजने वाला शख्स, वो भी उस दिन अर्श के साये में जगह पाएगा। कितनी अजीम शान नेमतें हैं ये छोटी छोटी, और कितने बड़े इनाम मिल रहे हैं अल्लाह की जानिब से इस पर, इन इबादतों पर। इसलिए खुदा के लिए अपनी ज़िंदगी में एक मिजाज बनाएं, कम से कम रोज़ाना 100 मरतबा दरूद शरीफ पढ़ने का आदि बनाएं अपने आप को। फिर उसके बरकात जब आखिरत में मिलेंगे, उसके इनामात जब आखिरत में मिलेंगे, फिर ये आँखें फटी की फटी रह जाएंगी। और जो लोग ये नेकियाँ नहीं कर पाए होंगे वो अपने हथेलियाँ मलेंगे कि मैं क्यों नहीं ये नेकियाँ कर पाया। बहुत अजीम शान नेमतें हैं। ये तीन लोग वो हैं जो रोज़े महशर सख्त तरीन गर्मी और परेशानी में अल्लाह के अर्श के साये में होंगे। कितना बड़ा इनाम है, अल्लाह ताला हम सब के लिए आसान फरमाए। दुआओं की दरख्वास्त है,
फिर मिलेंगे इंशाअल्लाह किसी नई और अच्छी वीडियो के साथ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।